So, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो का नोटिफिकेशन तो नहीं जाने वाला है मेरे सब्सक्राइबर के पास, मींस जो ये वीडियो सर्च करके आएंगे, जिनको जरूरत हो सिर्फ वही ये वीडियो देखे, कहने का मतलब ये है। अच्छा जी, मेट्रो रॉयल यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे ना मैप वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर रैंक आपको देखने को मिल रहा है, फिर आपको अनरैंक देखने को मिल रहा है। अनरैंक में ना आपको मेट्रो रॉयल ऊपर नजर आने वाला है। अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है इंट्रोडक्शन के अलावा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है एक अलग इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का। फिलहाल के लिए मेट्रो रॉयल चैप्टर 21 चल रहा है, अभी हम करंटली 21 चैप्टर पर हैं, जिसका टाइम पीरियड दिया हुआ है ये शायद अराउंड आपका 2 महीने का होने वाला है। 2 महीने के अंदर अंदर आपका जो है चैप्टर 21 खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर 22 शुरू होगा। यहाँ पर नीचे आपको MB दी गई है, कितने MB का ये है, सिंपल तरीके से आपको यहाँ से डाउनलोड कर लो डेटा से या वाईफाई से, काफ़ी कम MB का है। डाउनलोड और एंटर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली मेट्रो रॉयल के गेम में पहुँच जाओगे। पबजी से एग्जिट नहीं होगे, पबजी ही खेल रहे हो बट पबजी के अंदर ही मेट्रो रॉयल है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ऑनर रिवॉर्ड आपको मिलेगा, जैसे जैसे आप लेवल अप करोगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका ना पूरा बिगिनर वाला हो जाएगा प्रोसेस। यहाँ पर न्यू मेट्रो, क्योंकि जो हर अपडेट जो चैप्टर्स न्यू आते हैं ना, उसमें नई नई चीज़ें ऐड करते हैं ये लोग, ठीक है। तो जिसके अंदर आपका कुछ टाइमर और टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग के अंदर उस चैप्टर की सारी चीज़ें अनलॉक होंगी, फिर कुछ आप खेल सकते हो। समटाइम्स यहाँ पर अभी फिलहाल चैप्टर 21 खेलोगे ना, तो आपको 2 XP ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको बेसिकली इसमें जाना है, लूट करनी है और लूट लेकर आ जाना है बाहर बस, और उसको आके बेचना है, सेल करना है, कुछ इस तरीके का इसका पूरा कॉन्सेप्ट होने वाला है, ठीक है। सोलो खेल सकते हो, फ्रेंड्स के साथ, बेसिक है। मैं आगे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, सारी चीज़ें किस तरह से करनी। इसमें आपको जॉम्बीज़ वाला जो अभी जो मेट्रो रॉयल चैप्टर 21 है, उसमें आपको न्यू मैप देखने को मिलेगा जो कि जॉम्बी से रिलेटेड है। अगर आप जॉम्बी वाला मोड खेलोगे तो उसमें आपको बहुत सारे माल पानी मिल जाएंगे, वो माल पानी आपको कलेक्ट करना है और आपको बाहर लेकर आना है। मैं इसका एक सिंपल आपको एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के मैप मिल जाएंगे, बिगिनर वाले मिल जाएंगे, एडवांस वाले मिल जाएंगे, कुछ सिंपल मिल जाएंगे, कुछ हार्ड वाले मिल जाएंगे। एक मैप क्लिक करना है, अंदर जाना है, सामान लेना है और बाहर आ जाना है, बस पूरे मेट्रो रॉयल का यही चीज़ है। अब सबसे पहले ना हम लॉबी डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसे आप इसको कट करोगे, यहाँ पर हमने गेम, अब यहाँ पर स्टार्ट गेम का ऑप्शन आ रहा है ना, हमने जैसे डाउनलोड कर लिया है तो जैसे आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, कुछ XP मिल जाएगी, BP कॉइंस और सिल्वर कॉइंस मिल जाएंगे। और नीचे आप देखो स्टार्ट गेम पर क्लिक हो गया, अब हम पबजी में ही एक अलग सेक्शन में चले गए हैं, मेट्रो रॉयल सेक्शन में चले गए। ये इसकी लॉबी टोटली अलग है, डिफरेंट लॉबी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब जैसे स्क्रीन पर क्लिक करोगे ना फॉर द फर्स्ट टाइम, तब यहाँ पर आपको मेट्रो रॉयल के कुछ मिशंस देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिले कंप्लीट 5 मैचेस, कंप्लीट 10 मैचेस, कंप्लीट 15 मैचेस। तो मेट्रो रॉयल चैलेंज है, मैचेस हैं, कलेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आपको जो है जैसे जैसे आप मैचेस खेलोगे वैसे वैसे कलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आर्मर पैक मिल जाएगा आपको, लेवल 6 के अंदर का भी मिल सकता है या कितना भी मिल सकता है। क्रेट्स ओपन करोगे तो लेट्स सी आपके लक के ऊपर है। आपका यहाँ फिलहाल लेवल 1 का बैकपैक, लेवल 1 का हेलमेट और कुछ कैश इन लोगों ने मेट्रो के दे दिए हैं आपको, कि आप इससे सामान जब तक के खरीदो, फिर आप जो है मैच खेलना तो उसमें से जो सामान मिलेंगे वो बेच करके फिर आप अपने लिए लेवल 2 का ले लेना। अच्छा, यहाँ पर अगर सेकेंड डे लॉगिन करते हो तो आपको लेवल 2 के भी सामान मिल जाएंगे। 7 डे लॉगिन करोगे तो यहाँ पर ब्रोकन ट्राइडेंट करके ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना सारे वीक्स के मिशन दिए गए हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पबजी मोबाइल के बाउंड करोगे ना, जब आप मेट्रो रॉयल में नहीं रहोगे तभी भी आपको ये मिशंस दिखेंगे। तो स्पेशली आपको ये मिशंस कंप्लीट करने हैं ये सारे रिवॉर्ड्स लेने के लिए। चलिए जी, अब आ जाते हैं बैक करके यहाँ पर लॉबी पर। ये आपका लॉबी इंटरफेस है जो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी, ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी है। सिंपल तरीके से यहाँ से आपको एग्जिट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपको मेट्रो रॉयल से आप अपने पबजी में जाना चाहते हो लॉबी में, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना, आप चले जाओगे। मेट्रो रॉयल के कैश होते, जैसे आपको BGMI में UC होती है ना, वैसे मेट्रो रॉयल के कैश होते हैं, बट ये कैश आप परचेस नहीं कर सकते हो। अभी परचेस का ऑप्शन शायद आगे हो तो आप परचेस भी कर सकते हो, बट अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर देखो ज्यादा से ज्यादा आपको इकट्ठा मेल के थ्रू भी आपको कैश मिल जाता है, मिशन के थ्रू मिल जाता है, और जब आप लूट करते हो और बेचते हो तो उसमें भी कैश मिल जाता है। यहाँ पर आपको गाइड है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता ही रही हूँ, है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ये रॉयल पास है, जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली पबजी मोबाइल वाला जो रॉयल पास है ना वो दिखेगा। अभी मेट्रो रॉयल का स्पेशली पास नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर शायद ये लोग दे रॉयल पास। यहां पर आपको कलेक्टेबल ऐड करने को मौका मिलेगा, यहां पर जब आप क्लिक करोगे ना
तो जो चीज़ें आपके पास हैं वो यहाँ पर सजा सकते हो कि भाई हमने इतनी सारी लूट की हैं, गोल्ड की चीज़ें, वो आपको बाद में पता चलेगा। ऑनर रिवॉर्ड, ये आपका सीजन है, लेवल वन लेवल गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये सारे दिखेंगे। यहाँ पर आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी, ठीक है, कि किस आपके बैग में क्या क्या सामान है, इन्वेंट्री कह सकते हो, लोड आउट, यहाँ से गन वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ब्लैक मार्केट है जहाँ पर आप सेल और परचेस करने, ये जो टैलेंट नज़र आ रहा है ना, तो जैसे जैसे मेट्रो रॉयल आप खेलोगे तो आपके ना कुछ लेवल्स हैं जो जिसमें आपको ना जैसे फास्ट भागना हो गया, कोई गन है जिसमें आप फास्ट स्कोपिंग कर सकते हो, तो वो टैलेंट है, वो मैं आगे बताऊंगी, अभी बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पर कमांड पोस्ट करके है जो आपको हेल्प करने वाले हैं चीज़ों को बताने के लिए, तो उसको आप गिफ्ट दोगे तो वो आपकी एक्सपी बढ़ाएंगे, तो आपका लेवल इंक्रीज होगा, आप टीयर आपका बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी एक्सपी वगैरह बढ़ाती, वो हम आगे जानेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो फटाफट से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि हम बाकी पॉइंट्स पर आ जाएं। यहाँ से आप जो है अपना मैप बेसिकली सेलेक्ट करने वाले हो, आप यहाँ से डुओ, स्क्वाड, सोलो, ऑटो मैचिंग ऑन, ऑटो मैचिंग ऑफ, ये सारा सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये आपका वर्क प्लेस करके चीज़ें मिल रही हैं जहाँ पर आप चीज़ों को डिसमेंटल करोगे। क्या होगा कि आपके पास कोई चीज़ आपने क्रेट रखी है तो यहाँ पर जाके उसको डिसमेंटल करोगे, कुछ टाइमर आपका स्टार्ट होगा, वो टाइमर धीरे धीरे आपका कम होगा, आप उसको जल्दी भी कम कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। मैं बस सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रही हूँ। यहाँ पर आपका टीममेट्स है जहाँ पर आप अपने दोस्त टीममेट फाइंड करोगे, दोस्त नहीं बेसिकली, अगर आपके पास कोई है नहीं फ्रेंड तो आप टीममेट्स से भी खेल सकते हो। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स का ऑप्शन है, अगर मान लो मेरा कोई फ्रेंड है जो ऑलरेडी मेट्रो रॉयल में है तो मुझे यहाँ प्लस का आइकन दिखेगा, मैं उसको इन्वाइट भी कर सकती हूँ मेट्रो रॉयल में, अगर उसने डाउनलोड किया होगा तो। यहाँ पर आपका लेवल है, मैं भी फिलहाल लेवल 2 पे हूँ, लेवल 3, लेवल 30 तक के आपका लेवल होगा, कुछ एक्सपी होगी, जैसे कि अभी फिलहाल के लिए अगर आप खेलते हो ना तो आपको 2 एक्सपी मिलने वाली है, तो आप जैसे जाओगे सामान लेकर आओगे तो ये जैसे जैसे उस हिसाब से लेवल्स अप होंगे। यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये नॉर्मल आपका पबजी वाला ही चैट है, आप वहाँ चैट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स मिल जाएंगे जो एज इट इज़ पबजी मोबाइल में भी है, अगर आप लॉबी में वो वाले जाओगे तो। ये मेट्रो रॉयल एक अलग गेम कह सकते हो इसको, उस हिसाब से आपको देखने को मिलता है। ये आपको लॉबी का इंटरफेस समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे आप फ्रेंड्स के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जैसे आपका नॉर्मल ग्लोबल जब आप खेलते हो ना, क्लासिक और रैंगल वगैरह, तो उसमें कैसे ऑप्शंस आते हैं फ्रेंड्स को इनवाइट करने का, एज इट इज़ सेम है। यहाँ पर कोई ऑनलाइन होगा ना तो आपको शो करेगा, देखो ये बंदा ऑनलाइन है जिसको मैंने अभी रिसेंटली इनवाइट किया था, तो ये अभी मेट्रो रॉयल में ही है इसलिए मुझे प्लस का आइकॉन आ रहा है। अगर मैं इसको प्लस के आइकॉन पर करूँगी ना तो क्लिक तो ये आ जाएगा डायरेक्टली। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पर टीम इनवाइट का ऑप्शन है जो कि मैंने अभी आपको बताया है, क्विक ज्वाइन भी है। जैसे क्विक ज्वाइन करोगे, ये देखो बंदे बैठे हैं लॉबी में मेट्रो रॉयल खेलने के लिए, बताओ ज़रा, जैसे इनवाइट किया अब इसको एग्जिट कर दिया हमने। अब यहाँ पर ऑप्शंस आता है वर्क प्लेस का, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उससे पहले जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको कुछ कलेक्ट, फर्स्ट टाइम जब आप क्लिक करोगे तो आपको कलेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो सिंपल तरीके से यहाँ से कुछ क्रेट्स और यहाँ से आपका टाइमर कम हो जाएगा, वो क्रेट मिली है। अब यहाँ पर एक नॉर्मली चांस टू ऑब्टेन फोल्डेड इक्विपमेंट, तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें से रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको याद हो, अगर आप PUBG मोबाइल खेलते हो ना तो वहाँ पर एक इवेंट शॉप होती है ना, जो आप नॉर्मल जहाँ पर मैप सेलेक्ट करते हो उसके ऊपर जो आपकी इवेंट शॉप है, उसके अंदर आप देखो डिसमेंटल का ऑप्शन मिलता है, सेम एज इट इज़ यही है। बहुत सारी क्रेट्स आपको खरीदनी है और उसको यहाँ पर आके डिसमेंटल कर देना, तो जब आप टाइमिंग लगा के डिसमेंटल कर दोगे ना तो 50,000 की ये क्रेट, इसमें से आपको मिलने वाला है 2.5 लाख, तो एक तरीके का ये इन्वेस्टमेंट हो जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ से आपको परचेस करना है और वहाँ पर जाकर के डिसमेंटल करना है, तो वहाँ पर आप देखो 20 घंटे का टाइमिंग हो गया, 20 घंटे बाद आना है आपको और यहाँ से लॉगिन करके आपको 2.5 लाख ले लेना है, तो मतलब आपने 50,000 लगाया और 2.5 लाख ले लिया, तो ये कैश बढ़ाता है। अच्छा, मैप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मैप देखने को मिल जाएंगे, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। पहला आपका क्लासिक हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको 4 नीचे शो कर रहे हैं, सिर्फ पहले ना पहले फोर्टनाइट वाला ही था, जब मैं पहले शुरू में खेलती थी ना तो एक यही वाला मैप था, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया मुझे मेट्रो रॉयल खेले हुए, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मैप देखने को मिल गए। तो यहाँ पर आप देखो ओल्ड ब्लैक जोन मिल गया है, मिस्ट्री पॉट मिल चुका है, कुछ आपका अनेबल होगा और कुछ आपका अनेबल नहीं होगा, जैसे जैसे आप मैचेस खेलोगे वैसे वैसे आपको अनेबल का दिखने का मिलेगा। यहाँ पर स्पेशल नज़र आ रहा है, स्पेशल में भी आपको दूसरे जोम्बी वाले मोड्स देखने को मिल जाएंगे, प्लस आपका रेड जोन वाला आ जाएगा, और इसमें भी ना जब आप मैप पर क्लिक करोगे तो एडवांस का ऑप्शन मिल जाएगा, वो जब मैं मैप वाले सेक्शन में जाऊँगी ना एक्सप्लेन करने के लिए तो बता दूंगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखो ऑटो मैचिंग है, अगर आप चाहते हो यहाँ से क्लिक करके ऑटो मैचिंग हटा कर
करके भी खेलना तो भी आप खेल सकते हो फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप सोलो खेलना चाहते हो ना तो सिंपल आप सोलो खेलो भाई। मेट्रो रॉयल सोलो खेलने में ना बहुत इंटरेस्ट आता है आपको। यहाँ पर रियल प्लेयर भी आते हैं, कुछ सेटिंग्स हैं, ये आप एशिया सर्वर पर है, यहाँ पर आप सर्वर चेंज भी कर सकते हो, बट आपको पूरा सर्वर चेंज करना पड़ेगा। अब पबजी मोबाइल का जो क्लासिक मैच है ना उसका भी सर्वर चेंज हो जाएगा, तो सर्वर में छेड़छाड़ मत करिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखो बेसिक मोड है और एडवांस मोड है। एडवांस मोड आपका एक्टिवेट होता है लेवल 8 पर जाने के बाद में। उसके लिए आपको ना कुछ कॉइन्स चाहिए, जैसे आपके पास मेट्रो कैश है ना, तो मेरे पास 93 मेट्रो कैश है। उसके लिए आपको जो है ज़्यादा, यहाँ पर अमाउंट नीचे दिया गया ना, आप इसको गिन लो, इतने मेट्रो कैश चाहिए इसके अंदर। लेकिन जो एडवांस वाला मोड आप खेलोगे ना उसमें क्या फ़ायदा होता है, बेसिक वाले में आपको बेसिक लूट मिलती है, एडवांस वाले में ना आपको एडवांस लूट मिलती है। असॉल्ट मोड भी है, तो यहाँ पर आप देखो आपको इतने कैश की ज़रूरत है तब जा कर के आप जो है इसको खेल सकते हो, नहीं तो ये आपके लिए अभी फ़िलहाल के लिए अनलॉक होगा। मेट्रो रॉयल का मतलब ही है कि ये धीरे धीरे आपका मेट्रो रॉयल बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे आपके बहुत सारी चीज़ें अनलॉक होंगी और आपको छोड़ना इसको नहीं है, समझ रहे हो। तो इसके अंदर स्पेशल वाले में ना ज़ॉम्बी मोड इस बार ऐड हुआ है, तो अगर आप ज़ॉम्बी मोड खेलना चाहते हो तो ज़ॉम्बी मोड भी खेल सकते हो। बट यहाँ से जो आप सामान लेकर जाते हो ना, इसमें बेसिकली आपको गन वगैरह, बैग वगैरह सब लेके जाओगे, वहां पर जाके भी मिल सकते, लेकिन तब तक आप ढूंढोगे सामान तब तक आप मर भी सकते हो। तो आपको बैकपैक, हेलमेट सब कुछ यहाँ से ही लेकर जाना है और फिर रिटर्न वहाँ से सारे सामान लूट करके बिना मरे हुए आना है आपको। अगर आप मर जाते हो ना तो फिर वो सारा सामान उधर ही चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखो ऑनर रिवॉर्ड्स पर अगर आप क्लिक करोगे तो बेसिकली ये आपका लेवल्स हो गया, मतलब टीयर हो गया, कहने का मतलब ये है। तो अभी एडवेंचर जो सबसे लोएस्ट टीयर है अभी हम उस पर है, तो जैसे आपके वीकली रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिलने वाले, सर्वाइव करोगे 60 मिनट तो आपको एक्सपी बढ़ेगी 2000, फिर आपको ये सारे सामान लूट मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो जैसे जैसे आपका लेवल अप होगा वैसे वैसे आपको ये सारे सामान मिलेंगे, जैसे आपको एजी करेंसी जो कि आप नॉर्मल पबजी में भी यूज़ करते हो, और क्लासिक रेट मिल जाएंगे, तो नॉर्मल आपके क्लासिक रेट भी पबजी में यूज़ होता है ना, वहाँ पर इरेंगल वगैरह में, मतलब समझ जाओ यार पबजी वाला सीन, ये मेट्रो रॉयल थोड़ा सा अलग है ना, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि पबजी में जा कर, बट ये तो पबजी ही है। खैर, उसके बाद नीचे आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो जैसे जैसे आप लेवल अप करोगे, टीयर कहने का मतलब है, वैसे वैसे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फिलहाल अभी 2xp चल रहा है, तो अगर आप ज़्यादा खेलोगे तो आपका फट से रैंक अप हो जाएगा। नीचे आप देखो टोटल डिफीट, टोटल मैचेस, KD यहाँ पर शो कर रही है, तो अभी हम एडवेंचर 5 पर हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखो नीचे आपको कितने किल्स किए, कितने मैचेस खेले, क्या KD है, सब कुछ यहाँ नीचे शो करेगा। इस पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो ये आपके लेवल है। अभी हम एडवेंचर पे हैं, एडवेंचर पे 5 टायर मिल जाएंगे आपको, रूकी पे आपको 5 टीयर मिल जाएंगे, वेतरान है, फाइटर है, इलाइट है, हीरो है, एट दी एंड आपको जो है यहाँ पर लेजेंड मिल जाएगा। तो ये सारे लेवल आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, इतने ईजिली नहीं हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सामान खरीदना है, इसके अंदर जाना है, सामान खरीदना है, और लाइक सामान चोरी करनी है, इकट्ठा करना है, और उसके बाद एग्जिट पोल होता है यहाँ पर, वहाँ पर जाकर के अपने सामान को आप खुद सहित बाहर आ जाओ, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो आपको कुछ मिशंस देखने को मिलेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर आपको मिशन से फिलहाल के लिए अभी कुछ मिशंस अनलॉक हैं और सारे के सारे लॉक हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर देखो अनलॉक है ना, यहाँ पर आप देखो सर्वाइवल करना है, स्टडी सर्वाइवल, तो आपको एक टाइम जाना है और वापस बिना मरे हुए रिटर्न आना है, तो 5000 आपको कैश मिल जाएंगे और आपको कुछ यहाँ से सामान मिल जाएंगे। फिर सेलिंग सप्लाइज करनी है, स्टडी सर्वाइवल, फिर ब्लैक मार्केट में यहाँ पर आप देखो स्पेंडिंग मनी वगैरह जो भी है, तो अभी ये लॉक है, तो जब ये अनलॉक होगा तब आप यहाँ से ले सकते हो। तो जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाओगे ना वैसे वैसे सारी चीज़ें आपकी अनलॉक होंगी। तो ये आपको मिशन समझ में आ गया। ये आपका कलेक्टेबल है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये देखो अगर आपके पास कलेक्टेबल कुछ सामान है तो वो आपको यहाँ शो करेंगे। यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो ये आपका फ्रेम है, लेवल 11 पे आपका ये अनलॉक होगा, जहाँ पर आपको कुछ मिशन दिए जाएंगे जिससे आपकी XP जल्दी बढ़ जाएगी। तो आपके XP बढ़ने से आपका लेवल अप भी बढ़ने वाला है जल्दी से जल्दी, फिर आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी लेने वाले। यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो मेट्रो रॉयल के, ठीक है जी। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर आप देखो कुछ एक्स्ट्रा फीचर है। तो ये थी लॉबी की इंट्रोडक्शन, जो कि एकदम बिगनर्स के लिए है। अगर आपने मेट्रो रॉयल कभी भी नहीं खेला है तो इसको आपको देख के समझ में आ जाएगा। लेकिन जो ये नीचे का आपको नज़र आ रहा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेट्रो रॉयल मोड की। तो इसके लिए मैंने पार्ट 2 बनाया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं ये क्यों कह रही हूँ मैं आपको पहले बताती हूँ। सो ध्यान से सुनिए, ये जो नीचे के आपको रिवॉर्ड्स और नीचे की लोड आउट नज़र आ रहा है, ब्लैक मार्केट नज़र आ रहा है, टैलेंट नज़र आ रहा है, इन्वेंट्री नज़र आ रहा है,
जानकारी। ये मेट्रो रियाल में सबसे मुश्किल चीज़, सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ यही है, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें सिर्फ यही एक्सप्लेन करूँ। बाकी सारी चीज़ें ना आप तो समझ में आ गया। तो अगर आपने बहुत टाइम बाद ये वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन से चेक कर लेना। और टुडे मतलब अगर आज के आज आपने देखा है, मुश्किल है कि आज देखें बिकॉज नोटिफिकेशन ऑफ है, ऑफकोर्स आपको आज तो नहीं मिलेगी, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप सेकेंड वीडियो पार्ट टू देख लीजिए। फिर हम मैप के बारे में बात करेंगे, किस तरह से आपको मैप सेलेक्ट करना है। फिर मैं गेम प्ले के बारे में बात करूँगी, किस तरह से आपको बेसिक लूट करनी है, कहाँ आपको ज़्यादा एडवांस लूट मिलेगी। तो बहुत सारी डिटेल मेट्रो रॉयल से रिलेटेड आने वाली है। तो अगर आप जो मेट्रो रॉयल में इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। मोस्टली फिलहाल नोटिफिकेशन ऑफ करके ही वीडियोज़ अपलोड करूँगी मैं। लेट्स सी कब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।